आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइमल्यूटेन टेबलेट खत्म होने के कितने दिन बाद आपके पीरियड आते हैं, ये टेबलेट खत्म होने के बाद में आपको कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा पीरियड आने का, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस तरह का नॉलेज सभी लोगों को मिल सके और लेडी से ज़्यादा परेशान ना। आजकल पीरियड से रिलेटेड हर महिला को प्रॉब्लम रहती है, कभी ना कभी आपका भी पीरियड डिले हुआ होगा और आपको भी कभी ना कभी आपके डॉक्टर ने प्राइमल्यूटेन टेबलेट दी होगी। तो आपके मन में यही सवाल आता है, जब डॉक्टर दवाई देता है तब तो आप लोग पूछना भूल जाते हैं, फिर घर आने के बाद में आपको पता चलता है कि ये टेबलेट खत्म होने के कितने दिन बाद मेरे पीरियड आएंगे, मुझे कितना इंतजार करना चाहिए और इसके साथ में मैं पीरियड को जल्दी लाने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं महिलाओं के मन में, फिर वो वीडियो सर्च करने लगती है तो वहाँ भी उनको बराबर जानकारी नहीं मिलती है। तो हम बात करते हैं कि प्राइमल्यूटेन टेबलेट का इस्तेमाल अधिकतर हम कब करते हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होती है, डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि टेबलेट ख़त्म होने के बाद आपके पीरियड कब आते हैं, वैसे इसको बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पीरियड नहीं आ रहे तब भी पीरियड को आगे बढ़ाना यानी कि डिले करना है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे, किसी को PID है, बच्चेदानी में सूजन है, बल्कि यूट्रस है, तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ रहती है जिसमें इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में कई लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तब भी डॉक्टर सपोर्ट के तौर पे इस टेबलेट को देते हैं कि इसको लेने के बाद में जल्दी से कंसीव हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारे डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेशली कि इस टेबलेट को ख़त्म होने के बाद आपके पीरियड कब आएंगे, तो डॉक्टर आपको स्पेशली इसके डोजेस क्या क्या दे सकते हैं, मतलब पीरियड लाने के लिए कितने दिन तक कितनी मात्रा इस्तेमाल करने के लिए दे सकते। तो जनरली शुरू में कोई 3 दिन भी देते हैं, कोई 5 दिन देते हैं, कोई 7 दिन के लिए देते हैं, और जिनके पीरियड बहुत लंबे टाइम से नहीं आए, 2.5 महीने 3 महीने से, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको कभी कभी 10 दिन के लिए भी दे सकते हैं। साथ ही में जिन महिलाओं ने IPL या अनवांटेड 72 टेबलेट ले ली, प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और पीरियड भी मिस है, तब इस कंडीशन में थोड़ा हाई डोज पेशेंट को देना पड़ता है, क्योंकि जो टेबलेट आपने ली है अनवांटेड 72 या IPL तो वो तो बहुत हेवी डोज रहता है और उसके साइड इफ़ेक्ट से आपके पीरियड डिले हो जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि डॉक्टर आपको 10 दिन के लिए दे। अब हम बात करें कि जनरल डोज क्या रहता है, अगर डॉक्टर आपको 3 दिन के लिए दे रहे तो वो सुबह दे फोर शाम देंगे, अगर 5 दिन के लिए दे रहे तब भी सुबह दे फोर शाम भी दे सकते हैं या सुबह शाम भी दे सकते हैं। अगर वो 7 दिन के लिए दे रहे तो फिर BD यानी कि सुबह शाम देंगे, 10 डेज के लिए दे रहे तब भी सुबह शाम ही देंगे, इससे हाई डोज नहीं देते। बट अगर आपके डॉक्टर ने आपको 3 टाइम रिकमेंड किया तो हो सकता है कि आपकी कंडीशन कुछ डिफरेंट हो, इसलिए उन्होंने ज़्यादा डोज दिया। अब हम बात करें कि आपका टेबलेट ख़त्म होने के बाद कितने दिन में पीरियड आएगा, तो जनरली जैसे कि डॉक्टर ने आपको 5 दिन के लिए दवाई दी, तो जैसे ही दवाई ख़त्म होगी तो आपका जो पीरियड है 6-7वें दिन या 8वें दिन पर आ जाएगा, दवाई ख़त्म होने के बाद में, दवाई के तुरंत बाद नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि 1 तारीख को आपकी मेडिसिन चालू हुई तो 5 तारीख को आपकी दवाई ख़त्म हो जाएगी, तो आपका जो पीरियड आएगा तो 10 तारीख को आएगा या 12 को आएगा, और किसी किसी लेडीज़ का पीरियड टेबलेट ख़त्म होने के 10 दिन पे भी आता है, यानी कि आपकी टेबलेट 5 तारीख को ख़त्म हुई तो या तो 14 तारीख को आ सकता है या 15 तारीख को आ सकता है। टेबलेट ख़त्म होने के बाद में मिनिमम 10 दिन हमको इंतज़ार करना रहता है। जैसे ही आपकी टेबलेट ख़त्म होती है और आपको चाहिए कि मेरा पीरियड और जल्दी आए, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ पीरियड को जल्दी लाने में, तो आप पपीता पाइनएप्पल लीजिए, हल्दी का दूध पीजिए, काढ़ा बना के पीजिए, जिससे कि पीरियड बहुत जल्दी आ जाते हैं और आपको 10 दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर 10 दिन हो गए इंतज़ार करते करते फिर भी आपके पीरियड नहीं आए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोबारा से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करिए मॉर्निंग का, फिर जो भी रिजल्ट रहता है चाहे वो नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए, उसके बाद में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, डॉक्टर कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे कि आपके पीरियड जल्दी से ला पाए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे पाई हूँ कि प्राइमल्यूटेन टेबलेट ख़त्म होने के कितने दिन बाद आपके पीरियड आ जाते हैं। धन्यवाद।